में एफएक्स प्लस एफडीएक्स। अब इसके तुरंत बाद में अगला टाइटल ले रहे हैं और बहुत ही काम का टाइटल, बहुत माने वाकई में पूरा एक चैप्टर समझो एक तरह से, उसका नाम है आईबीपी, है ना। इसे क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वेरी गुड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट है भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। करें चर्चा। अब ये बाईपार्ट क्या चीज है, कब यूज करना है, क्या यूज करना है, उस पर बात कर रहे हैं, है ना भाई। तो सबसे पहले ही चीज ये कि कब यूज करना है, ठीक है ना। व्हेन टू यूज, व्हेन टू यूज लिख लीजिएगा फटाफट, ठीक है। कब यूज करना है, सबसे पहले लिखिएगा व्हेन एवर टू और मोर फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड, whenever two or more functions are multiplied, right है, whenever two or more functions are multiplied, ठीक है भाई। आप एक चीज को जरा देख लीजिएगा, ठीक है, रूल क्या है, रूल समझे आप एक बार जरा देखना भाई, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये रूल ही याद नहीं होता, ऐसा नहीं समझ में नहीं आता, समझ में जब आता है उसको याद ही नहीं होता, उसकी इच्छा ही नहीं होती याद करूं, है ना। क्यों याद करो, क्योंकि याद करने से क्वेश्चन होने लग जाएंगे यार, फिर मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। जैसे यू डॉट वी है, अगर मान लीजिए यू डॉट वी डॉट डी एक्स आ जाए ना, माने मेरे को दो फंक्शन जो मल्टीप्लाइड हो उनका इंटीग्रेशन करना, तो करना क्या है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यू डॉट वी, तो यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफरेंशिएशन, माने डी यू बाई डी एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और फिर दोनों के प्रोडक्ट का दोबारा इंटीग्रेशन, राइट है। दोबारा देखें, ठीक है, यू बाहर, वी का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन खुला, यू जो बाहर था उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन इनटू मल्टीप्लाइड बाई वी का इंटीग्रेशन, और जब दोनों का आंसर आ जाए तो जो भी आंसर है उसका पूरा इंटीग्रेशन। वापस सुने, ठीक है, बहुत ध्यान से वापस सुने, यू बार वी का इंटीग्रेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी का इंटीग्रेशन, और दोबारा दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, है ना भाई। एक बार दोबारा देखें, है ना, क्योंकि छह सात बार के बाद याद होना चालूगा। यू बार वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डी यू बाई डी एक्स, फिर इंटू में वी का इंटीग्रेशन, और फिर दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, है ना भाई। एक बार जरा सिर्फ पीछे पीछे का दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है, ये तो पता है डी यू बाई डी एक्स, मैं ये लिख देता हूं, क्योंकि आप डी यू बाई डी एक्स के बाद क्या बोलते हो वो किसी को पता नहीं। बी का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, कहानी पकड़ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा एक बार फिर भी एक बार मन की ओर निकाल, ठीक है, क्योंकि आप आगे का भूल गए होगे। यू बार बी का इंटीग्रेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू में बी डी एक्स और फिर डी एक्स, राइट है भाई। आपकी आवाज बता रही है आपको याद नहीं हुआ, एक बार और, है ना, नहीं होता यार याद नहीं होता, मैं जैसे इसको लिखना बंद करूं फिर गोल हो जाओगे, नहीं हो गया नहीं तो लिख लो, लो लिख लो, नहीं आपकी बार नहीं, मुझे पता है आपकी बार मैं लिखूंगा तो आप कॉपी कर लोगे, अब आप कॉपी कर लोगे, अब आप ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। अच्छा ठीक है, एक बार और लिख लो बस सर, इस बार नो चूक, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आप इसी को देख के पहचानोगे कि अच्छा किसका क्या करना है मुझे, ठीक है भाई। लिख लिया, कितने लोगों ने लिख लिया, है ना भाई। अच्छा मैं सिर्फ माइनस के बाद का डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी डी एक्स, फिर पूरे का पीछे आगे की तरफ यू बार वी का इंटीग्रेशन, यू बार, है ना भाई। अब आप मिला लेना कि आप में से कितने लोगों का सही, वैसे तो आपको पता ही होता है सब कुछ, ठीक है, रूल ये है। तो पॉइंट नंबर दो ये है कि पहली बात तो कब यूज करना है, जब भी दो का प्रोडक्ट हो, जब भी दो का प्रोडक्ट हो, ठीक है, और क्या यूज करना है, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। अब पंगा नंबर तीन सुने, पंगा नंबर तीन, सर मुझे कैसे बोलेगा यू कौन वी कौन, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, हाउ टू जज
यू एंड वी, यू और वी को कैसे जज करूं? ठीक है, तो याद रखना दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? बाय आइलेट रूल, एक तरीका तो है आइलेट रूल, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है टेक यू अ फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज नॉट नोन। और इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता तो वो आपके लिए यू बनने का सबसे उचित किरदार है। यू ऐसे फंक्शन को पकड़ो जिसका इंटीग्रेशन आपको आता ही नहीं हो। अब बच्चे को समझ में आता है, अपने को तो किसी का आता है, सारे यू है ना। लोग समझदार आदमी समझता है, अच्छा मतलब सिर्फ उसी को यू मानना है जिसका वाकई में पता ही नहीं हो, सुना ही नहीं हो अपन ने, राइट है? अच्छा, और ये आईलेट रूल क्या है बच्चे के दिमाग में आता है? आईलेट, आईलेट में आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, राइट है भाई? एल स्टैंड फॉर लॉग फंक्शन, राइट है भाई? ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, राइट है भाई? और टी स्टैंड फॉर ट्रिगो फंक्शन, है ना भाई? और लास्ट में ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिख लें पहले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले ये और लिख लें, ठीक है भाई? आईलेट में आई का क्या मतलब, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, ठीक है? वैसे जो आपका बोर्ड है ना वो तो 100% इससे अब्सॉर्ब हो जाएगा आईलेट, और कंपटीशन जो है ना वो आपको मैक्सिमम टाइम इधर ही घसीटे रखेगा, लेकिन आपको तो बैलेंस करके खेलना है, क्योंकि अभी आप बोर्ड में भी नहीं हो और कंपटीशन में भी नहीं हो। आप अभी MIT में हो, मोशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेस्ट, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको दोनों में संतुलन बना के खेलना, आपको दोनों तरफ पता होना चाहिए, अच्छा बोर्ड में ऐसे खेलना और कॉम्पिटिशन में ऐसे, एनीवे, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने, आगे चलें, है ना? अब पंगा नंबर दो सुने, ये आई स्टैंड, अपने को राइटिंग का कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना बनाना, खड़ा खड़ा लिख लूंगा नक्की करा करो, ठीक है? आई माने इनवर्स फंक्शन, आई एन वी लिखने में काफी है, लॉग के लिए एलओ जी लिख लिया, ट्रिगो के लिए टी आर लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सही है भाई? हो गया यहां तक, अब चलता हूं आगे, फिर सुना आप, रेडी? ठीक है, कैसे? अब ये तो हुआ सर, इनका ये मतलब होता है, रूल तो बता दो। बच्चा सोचता है हाँ आईलेट पता चल गया, उसे पता ही नहीं है, उसको ये पता है कि आईलेट का मतलब क्या हुआ। अब उसको ये भी पता होना चाहिए कि इसका हिरार्की ऑर्डर जो है, हिरार्की ऑर्डर माने जो जिस क्रम में मैंने आपको ये दिया है उसी क्रम के अंदर यू और वी चुने जाते हैं। जरा सुनना कैसे। मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट लॉग एक्स, क्या दिया? एक्स डॉट लॉग एक्स, है ना? एग्जाम्पल दिखा रहा हूं यू डॉट वी कैसे चुने जाते हैं। सबको पता होना चाहिए एक्स के नाम पे, सिर्फ एक्स जैसा या एक्स या पॉलिनोमियल फंक्शन वो एल्जेब्रिक है, लॉग लॉगरिथमिक है। आईलेट के अंदर ए पहले है कि एल पहले? जो पहले है वो यू बनेगा, एल भैया यू बन जाओ, अब आप यू है, और ए क्योंकि बाद में आता है इसलिए वी बनेगा। ऐसे यू और वी का चुनाव करना है। एक और देखें, मान लीजिए मेरे को इंटीग्रेशन में किसी ने कहा टेन एक्स इंटो लॉग एक्स डॉट डी एक्स, टेन एक्स ट्रिगो ये लॉग, आईलेट के अंदर आई एल ए टी ई, एल पहले आया या टी पहले आया? तो एल पहले आया तो ये यू बनेगा, जो पहले आया वो यू और जो बाद में आया वो वी। अब आपको समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया पक्का? एक और एग्जांपल फिर भी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि कई लोग सन्नाटे में चले जाते हैं बीच बीच में। x माइनस वन इंटू ए की पावर x, हाँ भाई x माइनस वन कैसा फंक्शन? एल्जेब्रिक, और ये एक्सपोनेंशियल, कौन पहले आया? a, तो वो क्या बनेगा? u, और ये क्या बनेगा? b। अब आपको u और v का चुनाव करना आ गया, पहले नीचे लिख लिया करें, काफी दिन तक तो आपको यही चुनने में परेशानी हुई, चुनना क्या है, ठीक है? हाँ, इसका नाम क्या, उसका नाम क्या, लेकिन आईलेट 95% केसेस में काम कर जाता है, कभी कभार धोखा भी दे जाता है, कभी कभार कैसे धोखा देता है वो भी बता दूंगा, अभी पहले आप ये लिख लो, ठीक है? यहां तक लिख लिया, एग्जांपल हो गए, यस सर। पॉइंट नंबर फोर, तीन पॉइंट हो गए, एन आईलेट रूल डजंट वर्क,
when islet rule doesn't work, then sense which function is then sense which function is easily integratable then sense which function is easily integratable integratable then sense which function is easily integratable likh liya take that function as u क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? हाँ या ना? अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, रेडी? ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, उसको जरा समझना। जैसे सपोज किसी ने कहा एफ एक्स एन टू में जी डैश एक्स डॉट डी एक्स, कितने फंक्शन है? दोनों के बीच क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के केस में मुझे क्या लगाना चाहिए? आईबीपी लगाना चाहिए ना। तो मुझे कैसे बोलेगा, अब तो ना तो कोई ट्रिगो है ना कोई लॉग है, आईलेट तो ढेर हो गया। हाँ या ना? अरे आईलेट तो तब काम करेगा जब ये बताएं एफ एक्स कौन जी एक्स कौन। तो फिर मैं अब क्या करूं? अब मेरे को सेंस करना चाहिए कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। किसका इंटीग्रेशन? एफ एक्स का या जी डैश एक्स का? हाँ, इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन नोन है। अगर इसका इंटीग्रेशन नोन है, टेक दिस फंक्शन एज यू, लिख लो टेक दिस फंक्शन एज यू। अगर ये यू हो गया, ठीक है, जिसका टेक दैट फंक्शन एट वी, सॉरी टेक दैट फंक्शन एट वी, हाँ जिसका इंटीग्रेशन पता हो उसको वी लेना है, सॉरी वेरी सॉरी। हाँ बिल्कुल, टेक दैट फंक्शन एज वी, बहुत शानदार, गुड, क्योंकि सेंसिबल, गुड। हाँ भाई, टेक दैट फंक्शन एज वी, उसे वी ले लो। क्यों ले लो वी? है ना, अब इन्होंने जो मेरे बिना बताए भी लॉजिक पकड़ा, ये और भी खूबसूरत बात है। क्यों ले ले वी? क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि यू डॉट वी डॉट डी एक्स में आपको करना क्या है, यू बार वी का इंटीग्रेशन, सही ना भाई? अगर आपने ऐसे फंक्शन को ले डाला जिसका इंटीग्रेशन आपको पता ही नहीं है, तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो आप जानबूझ करके यहां पर अगर किसी को अगर भाई तो लेंगे तो ऐसे फंक्शन को लेना पसंद करेंगे जिसका इंटीग्रेशन कम से कम पता तो हो। कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, तो ये ऐसे केसेस में हमेशा हम लोग ऐसे फंक्शन को वी मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता हो, वी जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, बैठे भाई। अच्छा, अब पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, खास बात क्या ना, यू एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन पूरी कहानी में कभी हुआ ही नहीं। देखो आप इस फॉर्मूले पे गौर से देखिए, पहली बार यू बाहर बैठ गया और अगली बार वो डिफ्रेंशिएट हो गया, माने यू कभी इंटीग्रेशन के पकड़ में आया ही नहीं, यू कभी भी इंटीग्रेशन की पकड़ में नहीं आया। पहली बार बाहर आके बच गया, अगली बार डिफ्रेंशिएट होके बच गया, माने पूरी कहानी हर बार लॉग हो गई, यू तो फंसा ही नहीं कभी, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस ऑफ, ठीक है, इन क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स फंक्शन, इन क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शन, इन क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शन, वी टेक वन, ठीक है, वन ऐसा न्यूमेरिक वाला वन, ऐसा गणित में जैसे एक लिखते हैं, वी टेक वन एज वी, ठीक है भाई, वी टेक एज वन, वी नहीं यू, है ना, उल्टा बोल रहा हूं मैं, दिमाग सट गया मेरा। हाँ भाई, वी टेक वन एज, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आप तय करना, ठीक है, एक सेकंड, आप तय करना, तय आप करोगे, मैं नहीं कर रहा है ना, देखें आप क्या तय करते हो, मजा आएगा। मान लो टेन इनवर्स एक्स है, इनवर्स फंक्शन है, अगर मैं इसके साथ इंटू में वन लेता हूं, बहुत ध्यान से उसके जवाब देना, अगर आपने मेरा पहला वंडा सुना है तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, आप जवाब दे पाओगे। मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया कि यू लेना कि वी लेना, अभी आप यू विल डिसाइड, बैठे, मैं नहीं जानता। किसका इंटीग्रेशन आपको पता है? वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, गुड। तो किसका है? किसको यू मानू और किसको वी मानू? वन को वी, बिल्कुल एकदम सही, और इसे यू,
तो क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स कहां जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन, याद आया आपको, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। क्या बात है, आप तो बिना देखे बता रहे हो, इंटो में इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी एक्स और फिर पूरे के प्रोडक्ट का डी एक्स। क्या आपको पता चला, एज इट इज। अगर आपको फॉर्मूला कस करके याद है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता इसको सीखने से। 100% बात है कि आपको, 100% बात है कि आपको याद होगा, सही है ना। ये कहानी पकड़ में आ गई आपको, कर सकते हैं अब ये कहानी, है ना, नहीं आई पकड़ में आ गया, तो किसे क्या मानू, यू के बी बी। अब आप और गहराई से उतर गए पूरी कहानी में, वेरी गुड। इससे पहले वाला पीरियड आपका अच्छा गया लगता है, अच्छा लगता है ना आपका पीरियड, तो आपका चेहरा उतरा हुआ नहीं होता, गाना वाना हो गया क्या, बस फिर ठीक है। मतलब मैं तो शुरू से इनको कहता हूं, आप तो हर संडे के संडे बाहर है ना ऐसे वो लगा लिया करो, टेंट हाउस वाला होता ना, है ना, वो लगा लिया करो आप तो, और हारमोनियम वाले होंगे, हम तो कुछ भी गा लेंगे ना, तो बच्चे मटक लेंगे खुश, उसके बाद उसे कोई चिंता नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया, सारा गम निकाल के गया हूं, किसी ने देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझ रहे ना। पार्टी से नहीं खुश होता बच्चा कभी, बच्चा सिर्फ मटकने से खुश होता है, और जो खुश हो जाए वो अच्छा बच्चा नहीं। आगे चलो, हाँ भाई, इवन लिखिएगा पॉइंट नंबर सिक्स पे आ जाओ, पॉइंट नंबर सिक्स, व्हेन नो अदर वे, When no other way, पॉइंट नंबर छह लिख रहे हैं आप लोग, When no other way of integration, when no other way of integration found, when no other way of integration found, then also try to take one as, then also try to take one as सेकेंड फंक्शन, वन एज सेकेंड फंक्शन, कहीं सेकेंड फंक्शन से आप कंफ्यूज तो नहीं रहे, सेकेंड फंक्शन बोले तो वी, हाँ एज वी सेकेंड फंक्शन, बड़ा सा एक वी लगा देना, कॉपी हमेशा ऐसी चमकनी चाहिए ना, आपको खड़क क्लिक कर दें, इतना दमदार तरीके से आपका प्रोजेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना भाई, आपको कहानी पकड़ में आई आपको, है ना। अच्छा आगे भी लिखेगा, पॉइंट नंबर सेवन, सारे फंडे एक साथ लिखा रहा हूं, ठीक है, पॉइंट नंबर सेवन, ठीक है, पॉइंट नंबर सेवन लिखेगा, वेन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर टू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर थ्री डेट डैश एफ एक्स टू द पावर एन डॉट डी एक्स टाइप क्वेश्चन, इज गिवन एफ एक्स टू द पावर टू एफ एक्स टू द पावर थ्री एफ एक्स टू द पावर एन टाइप क्वेश्चन इज गिवन, हाँ ये कॉमा 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 चल रहा है बीच में, सब कॉमा ही कॉमा है ना, हाँ भाई अलग अलग है, ध्यान रखना भाई, ये सारे मल्टीप्लाई मत कर देना आप लोग, हाँ भाई, टाइप क्वेश्चन इज गिवन, टेक एफ एक्स इज इक्वल टू टी, टेक एफ एक्स इज इक्वल टू टी देन इंटीग्रेट, देन इंटीग्रेट, ठीक है। अब गणित से, मतलब गणित नहीं, इंग्लिश से दुखी रहने वाले लोगों के लिए इसे हिंदी में बता देता हूं, अगर कभी भी किसी भी फंक्शन की कभी भी डिग्री मिल गई मुझे, माने मेरे को किसी ने किसी फंक्शन का होल क्यूब दे डाला, कह दिया कि नहीं साहब ये टेन इनवर्स एक्स है, करो मत छोड़ दो आप, तो आप दिमाग मत लगाया करो, आप तो टेन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, अब टेन इनवर्स एक्स है लेकिन उसके बावजूद भी इंटू वन नहीं लूंगा मैं तुरंत क्या करूंगा, जैसे होल स्क्वायर देखूंगा मैं टेन इनवर्स एक्स, भैया बाहर आ जाओ आप, तो आप पी हो, बात समझ में आ गई आपको, तुरंत मैं टी मान के इंटीग्रेशन चालू करूंगा, वो आगे कैसे करूंगा वो अभी क्वेश्चन के दौरान सीखेंगे, कहानी पकड़ मारिए, हाँ तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो आप एग्जाम्पल, ठीक है, ये जरूर स्टार लगा देना, हेयर वे आर नॉट टेकिंग, वी आर नॉट टेकिंग वन एज सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, ठीक है भाई, यहां पे हम लोग वन को सेकेंड फंक्शन नहीं ले रहे, ये बात भी पकड़ में आ गई नहीं आ रही है, हाँ भाई
अच्छा, बाकी और भी है, अब अपन क्वेश्चन के दौरान सीखते हैं ना भाई, ऐसे बाहर बैठ के नहीं सीखेंगे, अब क्वेश्चन के दौरान आते हैं। रेडी? हाँ साहब। अब आप में से हर एक किसी को, जिनको भी छोटा छोटा सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं जल्दी से, देखिए फॉर्मूले तो याद ही है अब आपको, एक क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है एक्स इंटू साइन एक्स का, राइट है भाई? अच्छा, खास बात, अपने बचाव के लिए आप इसमें हमेशा आगे एक आई मान के चलें। मान लो कि इंटीग्रेशन की वैल्यू का नाम आई है, ठीक है, टेक अपने बचाव के लिए, इसमें सही रहता है आई लेके चलना, कोई गलत नहीं है। अब दूसरी बात सुने, आपको पता है ये अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, आईलेट के अंदर आई एल ए टी, ए पहले आया, ये बन गया योग और ये बन गया वी। आपको बार पता है यू बाहर, यू बार माने एक्स बार, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डीएक्स माइनस डी अपॉन डीएक्स ऑफ एक्स और मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डीएक्स और फिर पूरे की मल्टीप्लाई डीएक्स। अब आप एक बात बताओ, x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन, वन भूल जाओ उसे, ये आया माइनस cos x, इसका इंटीग्रेशन कितना, उसके कारण ये बन गया प्लस का cos x डॉट dx, तब तक ये क्या बन गया माइनस x cos x और cos x का, अरे sin x, cos x का sin x, खत्म हो गया। कहानी पकड़ में आ गई आपको या नहीं आई? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं फटाफट, ये कर लें, अगला क्वेश्चन आप कर दें। करिए एक्स इंटू एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डू इट। मुझे पता है, देखो अब आप हाथ ऊपर से यहां से भी गिन सकते हो, दे आर मोर देन 15, ये 15 ज्यादा हो चुके हैं। मैंने आपको पहले बोला ना, आप धीरे धीरे हो जाओगे, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं, आपको पता नहीं है। आई करें बात, है ना, सबको पता है x माने एल्जेब्रिक और ये माने l और i l a, l होता है ये बन गया u, ये बन गया v। अब की बार आपको पता है एलन भैया बैठेंगे बाहर, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो गए x का, माइनस में एलन का डिफरेंशिएशन कर दूं डायरेक्ट, एलन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हाँ ऊपर 2x, सही है ये, अभी तक आपने इसका डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका उसका इंटीग्रेशन फिर बाद में। हाँ भाई, एक्स बार एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे एल एन ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना भाई? अच्छा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करना, सॉरी ये तो हो चुका ना डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, इस 2 से 2 काट दूं डॉट डीएक्स, क्या ख्याल है? हाँ भाई, अब लफड़ा चालू हुआ, कितने लोगों को पता है ऊपर बन गया एक्स क्यू, है ना भाई? अगर क्या करूं बोलो, डिवाइड कर दो, प्लस वन माइनस वन एक ही बात है, आपको पता नहीं है, प्लस वन माइनस वन और डिवाइड एक ही बात होती है। किसी ने किया डिवाइड? किसी ने डिवाइड नहीं किया? हाँ भाई, कैसे करते हैं डिवाइड, ये तो ध्यान होगा, एक्स क्यूब में अगर भाई मुझे डिवाइड करना है किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जरा थोड़ी सी अकल लगा दें आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए x, x से मल्टीप्लाई होते ही एक्स क्यूब प्लस x, माइनस कर दो, माइनस करते कटा, माइनस में क्या बचा x, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये ऐसे लिखा जा सकता है, i इज इक्वल टू इधर की तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू एल एन ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन खुला एक्स क्यूब में जब हमने भाग लगाया तो जो बचा उसे लिखा कैसे जाएगा ऐसे एक्स पूरा डिवाइड फिर जो बचा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, क्या मेरी बात समझे? अब आप ये बताइए इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू या माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन में आ जाऊं? आप में से किसी को याद हो तो एक्स डॉट डी एक्स नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कितनों को पता है इसका क्या करो, इसे टी मान लो। आपको पता है इन दोनों में कोई रिलेशन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लिया तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डीटी, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू डीटी बाय 2, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स की जगह डी टी इसकी जगह टी,
है ना, इधर की तरफ चल रहा हूं, वन बाई टू एल एन टी, टी बोले तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तब तक ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू, आंखें बंद करके फॉलो अप, ये वाली पार्टे भी आंखें बंद करके फॉलो अप, एक्स स्क्वायर बाई टू एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कहते हो आप? yes, खानी पकड़ में आई? yes, इक्वल टू आई, है ना? yes, क्या इस क्वेश्चन को करने में ऐसी कोई चीज सीखी जो हमने नहीं पता थी? पता ही था ना ये तो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आंसर ले आना है, सही है? चलें आगे? yes, चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है? ये हमने एक थोड़ा हट करके क्वेश्चन कर लिया, एनीवे आप में से सभी से सब कुछ नहीं हुआ, अभी भी फिर भी एक मौका और लेते हैं, रेडी? अब एक और चीज सुनना, कभी कर लो आराम से, ये अपनी बोतल है ना, बहुत जरूरी है अगला क्वेश्चन, क्योंकि फिर आपको कुछ सिखाएगा, जैसे इस इंटीग्रेशन ने कुछ नहीं सिखाया, सही मायने में कुछ नहीं सिखाया आपके, आप बस आपको याद नहीं था तरीका क्या है, बाकी आप बन जाता। एनीवे कई बार ऐसा भी होगा कि आपको एक से ज्यादा बार आईबीपी लगाना पड़ेगा, एक से ज्यादा बार आईबीपी, आप दोस्तों एक बार ही नहीं सीखा, दो बार तीन बार, अरे जितना करोगे उतना अपने आप आता जाएगा, कोई लंबा काम नहीं है, रेडी? तो सम टाइम लिख लीजिएगा, सम टाइम वी नीड टू यूज, सम टाइम वी नीड टू यूज आईबीपी मोर देन वंस, समटाइम वी नीड टू यूज आईबीपी मोर देन वंस, ठीक है? सी एग्जाम्पल, सी एग्जाम्पल, रेडी? बहुत ही मरस एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको याद है मैं आईबीपी के टाइम पे आई ले लो, बोल ले रहे यार, ले लो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पार एक्स, आप ट्राई कर लो, पहली लाइन आप ट्राई कर लो, 100% आपसे पहली लाइन हो जाएगी, गारंटी है हो जाएगी, याद है ना अपने को पहला क्या करना है, यू और वी पक्का करना है, बराबरी करनी है, एक लाइन तो बन जानी है, बनाओ एक्स स्क्वायर को एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, हाईलाइट में ई सबसे लास्ट में आता है, माने ये बन गया वी और ये बन गया यू, यू और वी पता चल गया, अब यू बार वी का इंटीग्रेशन वैसे फटाफट भरो फॉर्मूला, माना फटाफट चालू करो, कितने लोगों ने पहली लाइन लिख दी? लिख दी, वेरी गुड, मिला लो, याद है ना क्या करना है, यू बार बोले तो एक्स स्क्वायर बार ई की पार एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2x ई की पार एक्स का इंटीग्रेशन, और जो दोनों का आंसर आएगा उसको पुनः इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ई की पार एक्स का इंटीग्रेशन, बच्चे बच्चे को पता है ई की पार एक्स, तब तक 2 बार आ चुका है, यहां हो चुका है एक्स ई की पार एक्स का इंटीग्रेशन ई की पार एक्स डॉट डीएक्स। हाँ भाई, अब आया टाइम आपसे पूछने का, क्या कहते हो, ये दोनों फिर मल्टीप्लाइड है कि नहीं? इस जगह पे आगे जाने का एक ही तरीका, वापस आईबीपी, देखो ना ये दो चीजें मल्टीप्लाइड है ना, फिर से ये क्या बन गया, यू और ये बन जाएगा वी, फिर से इंटीग्रेशन करो, इसको तो कॉपी करते जाना, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पार एक्स को माइनस में टू, इधर का इंटीग्रेशन खोल लो, ऐसे चलाओ, भरना चालू करो फटाफट, बन गया, बन गया ना, वेरी गुड, हाँ भाई बना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, आगे कि नहीं है? एकदम सही कर लिया क्या, चैंपियन करा, हो गया इन्फाइनाइट, हो गया, मिलाऊं? अब जल्दी से बताना, देखो जरा इसके अंदर टू तो बार है, u डॉट v मान लिया, u बार माने x बार, इंटीग्रेशन किसका, e की बार x का, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन, वन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ, और जो दो आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन, राइट है भाई, माइनस में टू अभी बार x, e की बार x का इंटीग्रेशन, e की बार x, इसका इंटीग्रेशन e की बार x डॉट dx, क्या कहते हो आप? ये फिर से माइनस का टू x e की बार x, बेचारा मुंह फुला के बैठा है, ये e की बार x प्लस c, क्या ख्याल है? और आगे ऑलरेडी क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पार एक्स, आंख का अंदा भी एक्स ई की पार एक्स कॉमन ले सकता है, ले सकता है ना, क्या कहते हो आप? अगर आपने ई की पार एक्स कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स और प्लस का टू, क्या कहते हो, सही है क्या? हाँ भाई, कितने लोगों ने पहुंचा दी थी मंजिल, ठीक है, मोर देन 15, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाली बात सही है। अच्छा,
अब आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं ना, कहानी नहीं पकड़ भाई, कर सकते हैं पक्का। एक और क्वेश्चन करके बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, I is equal to मैं x into cos 2x, डू इट। कितने लोगों ने बना लिया, ये अल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, आईलेट में आई एल ए टी, ये पहले माने ये यू ये वी, एक्स बार इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स, फटाफट लिखना पड़ता है, इसमें टाइम थोड़ी ना कोटी करना है कोई, वन इसका डिफरेंशिएशन इनटू में कॉस टू एक्स, और फिर जो भी आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। किसी को याद है cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का sin 2x और 2x का डिवाइड बाय 2 नहीं है, माइनस इधर भी 1 के 1 का तो 1 ही हो गया, इसका इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाय 2, तो 1 बाय 2 बाहर ले जाऊं, डॉट dx। अब दोबारा जाओ, x की जगह x, sin 2x बाय 2 माइनस 1/2, अब बोलो sin 2x का इंटीग्रेशन, माइनस cos 2x फिर प्लस का cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस सी, ये 4 हो गया। कितने लोगों का बैठ गया था, सतुना बैठ गया है ना भाई, तो ये अपने आप में, अब मेरे को लगता है कि आप इतना तो सेफ हो गए कि हाँ छोटा मोटा तो बना दोगे। आगे चलता हूं, रेडी चलो। हाँ भाई आगे की बात सुनना, आगे की बात ये है कि ऐसा नहीं है कुछ छोटी छोटी चीजों का, जैसे याद रखना पॉइंट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेगा ठीक है, और उसका नाम है सक्सेसिव इंटीग्रेशन। सक्सेसिव इंटीग्रेशन, इसे आप शॉर्ट ट्रिक ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी एक तरह की सक्सेसिव इंटीग्रेशन मैथमेटिकल मेथड है, लिखेगा है ना, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक इंटू ट्रिगो और इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज गिवन, देन वी कैन यूज सक्सेसिव इंटीग्रेशन, देन वी कैन यूज सक्सेसिव इंटीग्रेशन is given, then we can use successive integration. ठीक है, हाँ भाई, here नहीं, अब तो here हटा देना, सीधे लिख दो C example, उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि example नहीं आएगा तब तो तक बनेगा नहीं आपसे। ठीक है भाई, अब जरा देखना, मान लो मेरे को question करना था x square into e की power x, हमने क्वेश्चन करने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 6 लाइनें काम में ले लेंगे, ले रही है भाई 6 लाइनें काम में। अगर मेरे दिमाग में आता कि मेरे को ये 6 लाइनों से काम नहीं करना, मैं तो कम से कम में काम करना था, तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन बेस्ट है। आपको पता होगा ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल में आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे सुनना, ऐसे कि जो भी यू और वी डिसाइड कर लो आप पहले, आपको पता है ये यू है और ये वी है, यू को डायरेक्ट कॉपी करें, कर लिया U को डायरेक्ट कॉपी कर लें, कर लिया yes। फिर मल्टीप्लाइड बाई इसको जो V है उसको जब भी कॉपी करें उसका इंटीग्रेशन करके करें, इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। अगर आपने इकी बार x का इंटीग्रेशन किया तो इकी बार x का इकी बार x, ठीक है ना भाई, फिर ये प्लस का है तो अगला वाला माइनस, अपने घर से लगाओगे माइनस, सही है। फिर जो भी एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, वेरी गुड, और जो e की पावर x जो इंटीग्रेट होकर गया है उसका दोबारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, फिर प्लस माइनस फिर वापस प्लस, जो 2x आया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना e की पावर x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0, और जहां 0 आ जाए वहां प्लस लगा करके रोक दो, और ये आपका आंसर हो गया। जिस बच्चे को इकी बार एक्स कॉमन लेना आता है
वो अंदर ही अंदर देख चुका है, x square minus 2x plus 2, वही आंसर आ रहा है, सिंगल लाइन के अंदर आंसर आया, कोई छह लाइन नहीं लगी। अब जरा पुरानी कहानी, पूरी कहानी को ढंग से देखो, ढंग से देखना, ढंग से, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, मैं कम एग्जाम्पल में काम करूंगा। एग्जाम्पल को गौर से देखिए, पहले यू कॉपी, पास वाले का इंटीग्रेशन, जो एक बार इंटीग्रेशन में आ गया वो इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन करवाता फिरेगा, जो इंटीग्रेट होकर आया वो इंटीग्रेट ही होता रहेगा, और जो साइलेंटली कॉपी हो डिफरेंशिएट ही होता रहेगा, और बीच बीच में अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना, यू का डिफरेंशिएशन, ना 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 ना, यू यू पहले, सबसे पहले यू कॉपी, यू कॉपी है ना भाई, वी का इंटीग्रेशन, वी का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन में आ गया वो इंटीग्रेट ही होता रहेगा, इंटीग्रेट होता रहेगा, राइट है भाई, इंटीग्रेट होता रहेगा, और जो साइलेंटली कॉपी हुआ वो डिफरेंशिएट ही होता रहेगा, डिफरेंशिएट होता रहेगा, सही भाई, और दोनों के बीच में प्रोडक्ट चलता रहेगा, एंड अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ठीक है ना भाई, लगा लो और लिख लो, बस इतना सही लिखूंगा एग्जाम्पल, है ना, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, आप बताना कैसे। हाँ भाई, नहीं तो चलो आप ही कर दो, क्या फर्क पड़ता है, आपका देखा हुआ क्वेश्चन है x cos 2x, तो आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है, जो आपने पीछे किया याद है ना, एल्जेब्रिक इंटू ट्रिगो है, एल्जेब्रिक इंटू ट्रिगो, आईलेट, आई एल ए टी, टी पहले आता है, ए पहले आता है, ये बन गया यू, ये बन गया वी। नाउ थिंक कि यू का क्या करने को बोला, मैंने उसमें लिखा बकायदा, हो गया yes, हाँ भाई, सबसे पहले जो यू है उसे क्या करना है, कॉपी, कॉपी कर दो x, और जो t है उसका माने v है उसका इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन बोलो, साइन माइनस या प्लस, प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 2, फिर क्या करूं, माइनस, वेरी गुड माइनस, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन, साइन 2x का माइनस cos 2x डिवाइड बाई 4, वेरी गुड, और फिर 1 का 0, और 0 जहां देखो वहां पे सी, और इसी माइनस के कारण प्लस, सिंगल लाइन में आंसर आया, यही आंसर है, देख लें आप मिला लें, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, कर सकते ना आप, है ना, अब आने वाले टाइम में हम लोग इसका यूज भी करेंगे, ठीक है भाई, हाँ आने वाले टाइम में हम लोग वाकई में इस तरह की चीजों का यूज करना जारी रखेंगे। हाँ भाई, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन किसी ने मेरे को दिया, किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है कि आप इंटीग्रेशन करें x into में sec 2x minus 1 upon में sec 2x plus 1 dot dx, राइट है भाई। अब मैंने उसे ये कहा कि आपने जो क्वेश्चन हमें दिया है करूं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये क्वेश्चन है 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x dot dx है, yes, बोलो हाँ या ना, yes, क्या आपको ये कहानी पक्की है कि नहीं, yes, अगर ये वाली बात पक्का है ना भाई, yes, क्या किया बताओ, yes, अरे sec को 1 upon cos कर लिया, yes, इतना तो समझ में आता है ना, एलसीएम एलसीएम आगे कट गया, अब कितने लोगों को पता है 1 minus cos 2x बोले तो 2 sin square x, 1 plus cos 2x बोले तो 2 cos square x, 2 sin square x upon 2 cos square x, 2 कट गया, कितना बचा 10 square x, तो x into 10 square x dot dx, राइट है भाई, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है, है ना भाई, यहां पे कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, कितने लोगों को यह पता है कि मैंने ये बता रखा है कि 10 square x को I can write sec square x minus 1, याद है ना, हमेशा ऐसे ही बात चालू करूंगा। अच्छा, कितने लोगों को यह भी पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec square x को तो sec square x अलग माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx अलग कर दो। अब मुझे अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो आई नीड u डॉट v, और u डॉट v के टाइम पे मैं पहले ही सोचता हूं कहीं एल्जेब्रिक इंटू ट्रिगो या एल्जेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल ना आ जाए। क्या ये एल्जेब्रिक है, yes, क्या ये ट्रिगो है, yes, अगर एल्जेब्रिक इंटू ट्रिगो है तो ये u और ये v, सबसे पहले क्या करूं, x कॉपी, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का 10x, sec स्क्वायर x का 10x माइनस, फिर x का डेरिवेटिव 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, क्या इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन, इसका क्या करूं, इंटीग्रेशन, वेरी गुड, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, एलएन एलएन मॉड सेक एक्स, एलएन मॉड सेक एक्स, वेरी वेरी गुड, राइट है भाई, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे को एलएन मॉड कॉस एक्स सेक एक्स सब कुछ सुनाई दे रहा था, ठीक है, एलएन मॉड सेक एक्स, अच्छा एक्स का एक्स पर बाई टू, ठीक है, इस वन को तो हटा दू, तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, ये ना ये अगर भाई दो मैंने इसको करा होता तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद नहीं है, याद है टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही नहीं होता, तो पहले उसे सेक स्क्वायर में बदल लिया और सेक स्क्वायर से आ से लिया, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना भाई, अगला क्वेश्चन आओ फटाफट, हालांकि मैं आपको बताऊं ट्रिक की भी ट्रिक होती है, ट्रिक में भी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई गौर से देखे e की पावर x बार बार क्या होता रहा, इंटीग्रेट, तो आपको पता ही है e की पावर x तो गेंडा है, उसका बार बार इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x होना है, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, तो उसे लोग बाहर बैठा, तू तो बाहर बैठ जा, छोड़ तू मत भाग, ठीक है, और अपने को पता है एक्स स्क्वायर ही बार बार डिफरेंशिएट होता रहा, तो लोग e की पावर x को बाहर बैठा के एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x फिर प्लस 2x का 2 ऐसे करके बाहर आ जाते हैं, नहीं है क्या, नहीं पकड़ में, तो जहां भी e की पावर x होता है लोग खुश होते हैं कि अच्छा है e की पावर x आ गया, इसको दोबारा बैठा दो, पांच वाले को डिफरेंशिएट करते जाते हैं, क्या कहते हो, तो आप में से कितने लोग कर देंगे x क्यूब माइनस 3x इंटू e की पावर x डॉट dx, एक लाइन में जवाब आना चाहिए, अलग अलग मत कर देना, डायरेक्ट उठा लो, ये पूरा a, ये पूरा a, यो v करो, कोई सोच लेगा, बन गया, ये तो सिंगल लाइन आ रहा बेटा, खोपड़ी लड़ाओ, याद है ये e की बार x का हर बार क्या होगा, हर बार, अरे u का u साइलेंट की कॉपी e की बार x, v का इंटीग्रेशन, u कॉपी e और v का इंटीग्रेशन, u कॉपी v का इंटीग्रेशन, तो जिसका इंटीग्रेशन आना है वो कौन है, e की बार x, उसे तो बाहर बैठा दो और अंदर ही अंदर इसको कॉपी x क्यूब माइनस 3x माइनस फिर अगली बार इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस कितना इसका 6x अगली बार माइनस 6 प्लस 3, नहीं आई बात समझ में, अरे अभी भी नहीं आई, या अच्छा फिर कितने लोगों को याद हो गया u कॉपी v का इंटीग्रेशन, u कॉपी याद रहेगा, हाँ u कॉपी v का इंटीग्रेशन, जो कॉपी हुआ वो डिफरेंशिएट होता रहेगा और जो इंटीग्रेशन हुआ वो इंटीग्रेट होता रहेगा, अब तो धीरे धीरे पकड़ मारी है, चलो अब चलते हैं, राइट है, अगला क्वेश्चन सुने आप, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, अब थोड़ा मैं लेवल पे आ जाऊं, है ना, अच्छा थैंक यू, अब सुने आप, आई इज इक्वल टू में दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है 2x प्लस 2 अपॉन में रूट ओवर में दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 डॉट dx, राइट है भाई, बहुत ध्यान से देखना है पूरी कहानी को, ध्यान से देखना, रेडी, पूरी कहानी में क्या क्या चीजें हैं जो टर्न है, रेडी, जरा ध्यान से देखिएगा, ये अगर 2x प्लस 2 लिखा है तो 100% होता है, जब भी इनवर्स के क्वेश्चन में ऐसा कोई अल्जेब्रिक फंसा होता है, ये शर्तियां होता है, हमारी भी पहली नजर इस बात पे पड़ती है कि कहीं कोई किसी का रिलेटिव ना निकल जाए, आपको नहीं पता लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा 100% आपकी सोच वैसी होती जाएगी जैसे हर टीचर की होती है, अंडरोट में ये जरूर 2x प्लस 2 के होल स्क्वायर के आसपास है, आप मन में 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर सोचो, आपको पता लगेगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 क्या कहते हो, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा ये 2x प्लस 2 का
होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर है। कहानी पकड़ में आई आपको? अब मैं आपको इस कहानी को ऐसे नहीं पकड़ा करके ऐसे पकड़ाता हूं। क्या मैं इसे उल्टा लिख दूं? उल्टा लिखने का मतलब कहीं ऐसा लिखने में कोई बुराई तो नहीं है, सिर्फ आपकी सोच याद दिलाऊंगा। 3 + 2x + 2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे एक बड़ा जबरदस्त पुराना क्वेश्चन पूछता हूं, किसके आगे प्लस? किसके? क्योंकि याद होगा 1 + tan²θ = sec²θ, होता है कि नहीं होता? अच्छा मैं पूछता हूं, किसके आगे माइनस? साइन के। किसके पीछे माइनस? सेक के। याद आया? सेक के। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, अब आने वाला टाइम अपने को इस पे भी कभी अभ्यास करना है। रेडी? तो आपको पता है इसके आगे प्लस, माने मुझे इसे कुछ टेन में मान लेना चाहिए। किस में मान लेना चाहिए? टेन में। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको याद हो तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आपको याद है कि अंडर द रूट ऑफ a² + x² अगर कल को ऐसा दे दिया तो आई शुड टेक x इज इक्वल टू a tan थीटा। याद आया आपको? a tan थीटा क्यों? ताकि मैं x की जगह जैसे ही a रखूंगा, a का स्क्वायर a² tan स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन आ जाएगा? a² अंदर क्या बचेगा? 1 + tan θ। a² अंडर रूट से बाहर, sec² थीटा भी अंडर रूट से बाहर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि पूरा लक्ष्य था अंडर रूट तोड़ना? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो सही है, बोलो सही है, सही है। हाँ भाई, तो आप में से कितने लोगों को पता चल गया एक ही जगह कितना है? 3। तो मैं 2x + 2 को क्या मानो? 3 tan θ। a tan थीटा की जगह 3 tan θ मान लो। अगर मैंने इसे मान लिया तो dx वगैरह तो सब चलेगा। 2x का डेरिवेटिव 2x का dx, 2 का 3 tan θ का 3, 10 θ का sec²θ, d θ। ओ, ये भी चलेगा क्या? अब बिल्कुल आगे चलें। क्या आपको इंटीग्रेशन में या साइन इनवर्स तक समझ में आया? 2x + 2 की जगह बोलो 2x + 2 की जगह 3 tan θ अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 3² प्लस में इसकी जगह 3² tan²θ। क्या कहते हो आप? और डब्बा बंद, और dx की जगह 3 sec²θ.dθ कर दो। राइट है भाई? अब जरा सा सोचना, जब तक मैं इसके बारे में यहाँ पे मिटाता हूँ, आप में से कई लोगों का दिमाग चल रहा है उधर। कितने लोगों को पता है क्या कॉमन आएगा? 3 का स्क्वायर का 3 बार, अंदर बचा 1 + tan²θ, वो बन गया sec²θ। तो आप समझ गए, इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स ऊपर 3 tan θ अपॉन में 3 sec θ, बाहर की तरफ 3 sec²θ d θ। सही है क्या भाई? ये 3 और 3 कट गया, बाय 2, ओके, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 भी ले लो, उधर भी दिखा देता हूं, चलेगा? अब जरा इधर देखते हैं, 3/2 बेटा बाहर आ जाओ, आ गया। कितना लोग बताए? 10θ बोले तो साइन अपॉन कॉस, और ये बोले तो 1/cos, कॉस से कॉस कट गया, क्या रह गया? sin θ, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कितना रह गया? थीटा, मात्र थीटा, और ये sec²θ.dθ। कितने लोगों की मन की आंखें देख रही है x sec²x? देख रहे हैं? फील कर सकते हैं ना? तो फील 3/2 इंटीग्रेशन के अंदर x into sec²x.dx कर दो। ऐसा सोचते हुए अब मुझे बताएं, कितने लोगों को पता है ये एलजेब्रिक, ये कैसे इंटीग्रेट करोगे? बोलो डायरेक्ट, x साइलेंट, x कॉपी, इसका कितना? 10x। अच्छा, माइनस इसका 1, इसका ln मॉड sec(x) है ना भाई? आप में से किसी को दर्द ना हो तो वापस थीटा वापस कर दूं, इधर भी थीटा वापस कर दूं। अच्छा, इधर ln sec(θ), राइट है भाई? और प्लस c, और आगे आप बता देंगे। तब तक मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने 2x + 3 को, मैंने 2x + 2 को क्या माना था? 3 tan θ। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2x + 2/3 tan inverse θ? tan inverse कह दोगे? तो आप लास्ट में ये लिख दोगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे।
कहानी पकड़ में आ गई, कोई भेद तो नहीं, लेकिन आपने एक अच्छी चीज सीख ली कि अच्छा इसको पहले एक्स में समझ लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो लास्ट में फील करके, कभी हो जाए फटाफट वाला। इक्का दुक्का तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी मैं करूंगा यार, नहीं करूंगा तो आपका कैसा पैसा वसूल हो रहे हैं। बाकी ये मुश्किल है क्या आईबीपी? अगला क्वेश्चन भी आपको 100% हैरान करेगा, फटाफट कॉपी हो जाए आप, धीरे तो चलोगे नहीं मेरे को पता है। अब आपने इच्छा शक्ति मजबूत होती है कि आपकी, पिछले टेस्ट में कितने लोगों को कस के ठोकर लग गई ना, हाँ कई होना तो बकायदा रिपोर्ट पहुंचा दी मेरे को कि हाँ साहब मरवा दिया, बिल्कुल ही पिट गई, सोचो मेंस के अंदर पिटी अपनी। इस बार सोच के चलना, याद है ना टॉप 50 में हमारे 10, ये जो A1 A2 A3 A4 है ना, ये सिर्फ यहां है, सिर्फ यहां होते हैं, यहां आपको पता नहीं है। जिस बच्चे के लग जाती है ना कि मैं अच्छे से गेम करूंगा सबका, वो कर ही देता है, उसके दिमाग में आनी चाहिए कि मैं हिसाब दूंगा, मैं कर दूंगा बराबर, देख लेना, और वो कर देता है, उसे पता है कुछ नहीं करना, पढ़ना ही तो है। ठीक है, डू एज मच क्विजेस। आप तो आपके पास में सलोनी, वो कौन सी बर्मन पड़ी है, कम टू मी, मैं आपसे फिंगर रख करके पूछूंगा इस क्वेश्चन में क्या करेगा, मैं नहीं कहता कि पूरा सॉल्व कर, क्या करेगा इसमें, क्या करेगा इसमें, क्या करेगा इसमें, क्या करेगा, बस मैं टेस्ट ले लूंगा, ओरल टेस्ट होगा, 100% है आपका दिमाग चलना चालू हो जाएगा, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, बस। ठीक है, लॉजिक आपका दिमाग बनाएगा अपने आप, ताकि अब जिस दिन पेपर हो ना उस दिन आपको देखते ही स्ट्रे कर दो इसमें ये करेंगे अपन, क्योंकि अब तो एडवांस का होगा, अगर उसके अंदर अगर जीत गए तो मेन सब बाप है अपन, है ना, करें आगे, है ना, चलो। हाँ भाई देखना, जबरदस्त सीध है, निराश तो नहीं है ना, उदास भले हो जाओ, उदास होना चलता है, निराश होना नहीं चलता, उदास तो यार क्षणिक होता है आदमी, उसको पता है यार आज मंडे है, ट्यूजडे है, वेडनेसडे है, आज आज थोड़ा डल है, सर्वर डाउन है भाई, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म है, सर्वर उड़ गया, ठीक है, सर्वर उड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चले भाई, हाँ भाई चलो, अब इसके ऊपर जरा रास्ता बताएं, मन की आंखें तेज करें और बताएं ये 2 कहां जाएगा, अरे ऊपर, 2 कहां जाएगा, बाहर, लो ऊपर, कहां जाएगा, ऊपर, एलएन एक्स स्क्वायर बन गया, 2 एलएन के बीच माइनस है, लॉग में चीजें माइनस नहीं होती डिवाइड होती हैं, तो कितने लोगों को दिख गया, एलएन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं आया क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा अब तब तक देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सिर्फ इसी के पास ऐसा नहीं है, अंडरूट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कैसे भी करके इसमें भी एक एक्स स्क्वायर घुसा दो, और एक्स स्क्वायर घुसेगा कैसे, घुसेगा ये एक्स की पावर 4 बलि देगा अपनी, इसने कहा मैं 1/x³ बन जाता हूं, हमने कहा बाकी एक्स का क्या करोगे, ले जाओ अंडरूट में, आप सोचो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जिस दिन एक्स जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या आपको पता है ये बात, एक ही स्टेप के अंदर आपकी आंखों के दिमाग, मतलब सोचो आंखों से दिमाग के बीच में करंट दौड़ रहा है, आप सोचो जिस दिन डिवाइड गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में ln, राइट है भाई, ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x³.dx, कितने लोगों को फील आ रही है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बार बार आ रहा है, इसे t बना दो, तो कितने लोग पता है इसका डिफरेंशिएशन, 1 का 0, अरे इसका 0, इसका -2 अपॉन x³.dx = dt, क्या आपने से किसी का दिमाग चला कि फिर 1 अपॉन x³.dx बराबर -dt/2, नहीं है कहानी पकड़ में, अरे इतनी बार दिख रहा है 2 बार दिख गया है यार, अब तो टी बनाऊंगा ही बनाऊंगा, कितने लोगों को फील आ गया कि टी बनाने पर ऐसा होता है, देखो फिट करो, ये बन जाएगा टे तो बन गया रोटे, इंटो में ये बन गया एलएन, ये बन गया टे, और ये पूरा -1/2 dt,
क्या लगता है ये दोनों के बीच क्या है? मल्टीप्लाई माने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट होता है यू डॉट वी, यू डॉट वी होता है चुनाव। याद है ये एक्स है, एक्स होता है किसका? एलजेब्रिक, और ये लॉग एल, हाँ या ना? आई लेट एल पहले, यू वी। कहने का मतलब फार्मूला देखा जाए तो 1/2 रेडिक, अरे इसको एक से एक एलजेब्रिक इंटू लॉग है ना, अपना फंडा काम नहीं करेगा। ओके 1/2 पूरा पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एल एन टी बाहर, रूट टी का इंटीग्रेशन माइनस एल एन टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका डीटी। क्या कहते हो? अच्छा तब तक माइनस 1/2 एल एन टी मल्टीप्लाइड बाय रूट टी का 2/3 टी के पावर 3/2, हाँ या ना? माइनस 1/2 इंटू में 2/3 इंटू टी के पावर 3/2, है ना सिद्धार्थ? क्या कहता है? सही है ना भाई? अच्छा कितने लोगों को पता है ये 2/3 बार, ये टी से 3/2 कटेगा। काट दो, बोलो काट दो, काट दो, अरे तो बोलो काट दो, काट दिया। कितना बचा? रोटे, और रोटे का 2/3 टी के पावर 3/2 रोटे का, तो ये हो गया माइनस का 4/9 है ना टी के पावर 3/2, राइट है? ये तो खत्म खत्म। इधर आ जाओ, इधर क्या बच्चा? माइनस 1/2 2/3 टी के पावर 3/2 इंटू खूबसूरत बना के एल एन टी। क्या आप कहते हो सही है? क्या बोलो? सही है। तो टी की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, टी की जगह क्या रखोगे? टी की जगह क्या रखोगे? 1+1/x2, हाँ सही है। कर लो कॉपी, दिखने में बड़ा दिख रहा था। हाँ पहला स्टेप, ये टू भैया ऊपर गए, टू भैया ऊपर जाते हैं, एक्सक्वायर हो गया, एल एन माइनस एल एन अंदर का सामान 1/2, याद है ना? लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए बाई बी वाली फोटो आ गई, फिर भाग लगा दिया, ऐसे फोटो आ गई, फिर तो देखते समझ में आ रहा है टी आ गया, कहानी पकड़ में आ गई, खत्म करूं। हाँ और क्या आप चाहोगे मन से? तो यार मैं सब खत्म कर दूंगा, आप तो बस बता दो। जीएक्स इंटो में एफ डैश एक्स, क्या आपको याद है? क्या आपको याद है कि कुछ जगहों पे आईलेट काम नहीं करता? कितने लोगों को याद है कि अगर आईलेट काम नहीं करता तो यूवी कैसे पहचानो? जिसका इंटीग्रेशन बताओ उसे वी मानो, जिसका इंटीग्रेशन बताओ उसे वी मानो। रेडी? अब आप बताने वाले हो किसका इंटीग्रेशन बताए, जी डबल डैश एक्स का, क्या कहते हो, या एफ एक्स का? किसका? जी डबल डैश। कितनों को पता है जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन? जी डैश एक्स, वेरी गुड, पता है ना भाई? तो उम्मीद है इसे माना वी, इसे माना यू, है ना? कितने लोगों को पता है कितने इंटीग्रेशन है ये? दो, दोनों अलग अलग चलेंगे। अच्छा इधर बताओ किसे यू किसे वी? इसे इसे, अच्छा जवाब दीजिएगा यू बेटा बाहर, यू बार वी, वी का इंटीग्रेशन, जी डबल डैस एक्स का इंटीग्रेशन, जी डैस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब जरा देखना जो यू है उसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब एफ डैस एक्स, याद है ना? इंटो में इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैस एक्स, यही तो होगा। और जी डबल डैस एक्स का इंटीग्रेशन बोलो कितना? जी डैस एक्स लिख दो डायरेक्ट, डॉट डी एक्स माइनस, है ना भाई? माइनस में इसका भी करें खेल? तैयार है? पक्का तैयार हो? आप मेरे को सोच के जवाब दे रहे हो, क्या करूं बोलो? जीएक्स, जीएक्स बार इंटो में एफ एक्स, अच्छा माइनस जी डैश एक्स इंटो एफ एक्स, सही है ना भाई? डॉट डी एक्स, क्या ख्याल? अच्छा कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है? कुछ कट रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं कट रहा। हाँ भाई अगला स्टेप सोच लेंगे, सोच लेंगे क्या आप आगे का स्टेप सोच सकते हो? है ना भाई? आप यहां तो कॉपी कर लो, फिर इसके बाद आगे चलना है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा अभी, है ना भाई? ये कॉपी हो गया, अरे वेरी गुड, ये अपने क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया, तब तक आप इसको करेक्ट कर लेना। ये जी डबल डैश एफ डबल डैश एक्स,
हाँ भाई, अगर मैंने कहा ये एफ डबल डैश एक्स है, एक मिनट रुकना, इसका समझा दो आप तो, बोलो कौन बताएगा? अगर ये एफ डबल डैश एक्स है, यू डॉट वी करो जी एक्स बेटा बार इंटो में एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स इंटो में एफ डैश एक्स, कुछ कट रहा है क्या? अब जरूर कटेगा। कौन बताएगा कौन कौन सी चीजें कटेगी? बोलो, ये और ये कट जाएंगे, काट दो, बोल नहीं रहे हो, काट दो, काट दो, हाँ तो बोल दे नहीं यार। हाँ भाई, अच्छा बताओ क्या बचा? एफ एक्स इंटो जी डेस एक्स माइनस जी एक्स इंटो, अरे आप सोचो जिंदगी में कभी भी ब्रेक हो जाए, ब्रेक आ जाए, तब तो जोर से चिल्ला के बोलना चाहिए काट दो, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो। उसे क्या होगा? सोचो जो बाहर जा रहा होगा, काट दो, अरे नहीं भागो, चले अपन मजाक चल रहा है। एनीवे, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा आगे बैठो, अरे काटते छोड़ दो, आने दो, अरे आ जाओ, इतनी प्यारी आवाज नानी याद होती है ना कई लोगों को। हाँ भाई आगे चलते हैं, कितने लोगों को पता है log x dot dx क्या करूं? कितने लोगों को पता है log x dot dx? वन, वेरी गुड। अगर आपको ये पता है तो सबसे पहले आई अज्यूम कर लो, log x लिख लो, इंटू वन लिख लो, डॉट dx लिख लो, ये भैया v, ये भैया u, u बाहर माने log x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट dx, log x का डिफरेंशिएशन, वन अपॉन x इंटू में वन डॉट dx का इंटीग्रेशन, जो दोनों का आंसर आएगा उसका पुनः dx। मैं भूल गया, वन का इंटीग्रेशन, अच्छा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटो में एक्स डॉट डी एक्स, ये फिर कट गया, तो आंसर बन रहा है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है भाई, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, बहुत ही काम का, डायरेक्ट याद रखना, रिजल्ट है ये, रिजल्ट है, एकदम याद होना चाहिए आपको, रटा हुआ होना चाहिए कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, याद रखना भाई, क्या आप याद रखोगे? बोल नहीं रहे हो, ये बहुत काम की, बस ये खत्म कर रहा हूं मैं। आई अपन अपनी तरह से चल करके इंटीग्रेशन मान लेते हैं, कारण बता दूंगा, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ताकि ये बात खत्म कर दूं बस मैं, ठीक है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में, किसी ने कहा sec क्यूब टी डॉट sec क्यूब थीटा डॉट डी थीटा, करें मत, करूं? हाँ भाई, कितने लोगों को याद है इसकी पावर है ऑड, और मैंने एक बात बोली है ऑड पावर ब्रेक, याद है आपको? और मैंने कहा था ऑड पावर को हमेशा एक अलग और बाकी अलग, तो आपको पता होगा एक अगर मैं अलग कर रहा हूं तो आई मान रहा हूं, आई मान के खेलने में सावधानी है, एक अलग कर दिया तो रह गया sec थीटा, पास वाला हो गया sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, भाई आप बताएंगे जरूर, सही है। अब मेरे को बताना, रेडी, यू किसे मानू, वी किसे मानू, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, आईलेट फेल, आपने गौर किया आईलेट फेल, इसको वी क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, जिसका इंटीग्रेशन पता उसे वी मानो, आईलेट फेल, इसीलिए क्वेश्चन उठाया। और मैंने क्यों उठाया, इस बच्चे ने मेरे से तुरंत पूछ लिया सर आई क्यू मानते हैं, ये उस बात का चुपचाप जवाब देगा कि आज तक आपको ये नहीं पता चला आई क्यू मानते हैं। अब लॉजिक बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, बहुत छोटा था, जल्दी से, ये यू सबको पता है, यू बार माने sec थीटा बार ले लो, और इसका कितना टेन थीटा, वेरी गुड, माइनस u का डिफरेंशिएशन du by dx, u का इसका बोलो डिफरेंशिएशन sec थीटा का, sec थीटा
एक मिनट एक जना रिकेश तू बता रहा है सकेक्स का नहीं, अरे एक मिनट रिकेश को बोल रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहा, तू बोल रहा है सही बोल रहा है, मेरे को सुना नहीं दे बस। sec थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं, एक सेकेंड, इन्फाइनाइट को बोलने दो, इन्फाइनाइट बोलने दो, sec x का तू sec थीटा का sec x का पहले तय कर ले, सही बोल रहा है तू, इसीलिए दोबारा बोलना sec x का sec x 10x, ये कह रहा है sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x, सही है गलत? सही है, sec x का sec x 10x, तो इसका हो गया sec थीटा 10 थीटा। अरे यार आप पता है आप कंफ्यूज करते हो, आवाज से सोचते हो कि मैं बोल गया, नहीं, एक एक को रोक के पूछे सही आएगा, क्योंकि इसे कॉन्सेंट्रेशन बैठेगा। आपने इसको du/dx करा इंटो में इंटीग्रेशन ऑफ sec²θ.dθ, और जो आएगा उसका पुनः डी थीटा, सही है? अब आप जल्दी से बता दो, ये बन गया sec थीटा 10 थीटा इंटो में इसका इंटीग्रेशन 10 थीटा, क्या आपको पता है sec²θ 10 थीटा डॉट डी थीटा। अब आपको पता है, दोबारा सोचना, टेन स्क्वायर थीटा कहीं रोल में नहीं है, इसे क्या बनाऊं, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूं? एक जना कौन बताएगा? हाँ बेटा, इसको क्या लिखूं? sec थीटा ब्रैकेट में कितना, नहीं हाँ बिल्कुल सही बोला, sec²θ - 1.dθ, याद है यहाँ बैठ जाना, tan स्क्वायर थीटा को तुरंत ऐसे लिख लो, कितने लोगों को पता चला ये गुणा हो गया तो बनेगा sec³θ, बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस में प्लस में, माइनस माइनस प्लस, sec θ d θ, सही है गलत? बोल नहीं रहे हो यार, बात समझ में आ रही है यहां तक? अच्छा माइनस में इधर की तरफ बन चुका है sec θ 10θ, ऑलरेडी बाहर चल रहा है आई, कितने लोगों को पता है आई कौन है, आई किसे माना, आई किसे माना, sec³θ, इसे मैंने आई माना, यही है ना मेरा आई। अच्छा कितने लोगों को यह भी पता है कि अगर sec³θ आई है तो दोबारा आई मिला, नहीं ध्यान दे रहे, क्या आपको पता है ये बन गया sec θ 10θ और ये बन गया माइनस आई, और ये आपको पता होना चाहिए प्लस में sec थीटा का इंटीग्रेशन ln, बोलो मॉड कितना, sec थीटा प्लस tan थीटा, एक जवाब आया sec थीटा प्लस tan थीटा, और कोई जवाब, tan π/4 प्लस x/2, बिल्कुल यही सब सुनना है मेरे को, π/4 प्लस θ/2, राइट है। अच्छा ये आई का क्या करूं, उधर ले जाओ, तो ये हो गया आई और आई 2i, तो 2i इज इक्वल टू मैं sec थीटा 10 थीटा, राइट है, और प्लस के अंदर ln ब्रैकेट के अंदर। आपकी बार आप में से कई लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन खो दिया, पता है ये सोच करके कि मेरा अगले पीरियड में क्या होगा, इसलिए आपने ये पीरियड भी खराब कर लिया, ये जो सबसे काम की चीज थी वो खराब कर रहे हो आप, 1/2 करके अपना आंसर लगा लेना, ठीक है भाई, बहुत ही काम की चीज है, कई बार ये होगा कि आपको दोबारा आई मिल जाएगा, ये कहानी पकड़ में आई, नहीं, अरे शर्मा तेरे को ये कहानी पकड़ में आई, ये आई मिलना समझ में आया, ये आया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको ये समझा सकूंगा कि कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे ये आई और ये आई जुड़ गया, एक टाइम ऐसा भी आएगा आपको पता चला आई और आई कट गया, और जिस दिन आई और आई कट जाए उस दिन उस फंक्शन का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन माने एंटी डेरिवेटिव संभव नहीं होगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि लूप बन जाता है, आई आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, लेकिन वो सब आउट ऑफ सिलेबस है, अपनी पकड़ में नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, कई ऐसे फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, ठीक है, ऐसे को रटने की जरूरत नहीं है, आपकी जहां एक्सरसाइज है ना, थ्योरी के अंदर आखिरी पेज, थ्योरी के आखिरी पेज में लिखा है फंक्शन हूज एंटी डेरिवेटिव इज नॉट पॉसिबल, बकायदा बता रखा उसने, आपकी शीट में ही है, तो दूर जाने की जरूरत नहीं, वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है, चलें।